दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्लपूल के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का एसी है, क्योंकि इसमें हमें एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है जो कि और दूसरे किसी एसी में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हम इस एसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1.5 टन का एसी है तो हम चाहे तो अपने ज़रूरत के हिसाब से 0.9 टन का भी बना सकते हैं, 1.1 टन का भी बना सकते हैं, 1.3 टन का भी बना सकते हैं और 1.5 टन का। ये चार मोड्स दिए गए हैं। आप एक बटन क्लिक करोगे रिमोट से और उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेगा जितना कि ये 0.9 टन का एसी कंजर्व करना चाहिए, जितना कि 1.1 टन का, और ऐसे ही, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें दिया गया जो कि और दूसरे एसी में नहीं दिया जाता है। हम आपको इस वीडियो में इस एसी के बारे में सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इसको यूज़ करेंगे तो महीने का कितने का बिजली बिल आएगा, इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना लगता है और ओवरऑल एसी की जो बिल्ड क्वालिटी होगा कैसी देखने को मिलती है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चलेगी। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहेगा। ये जो एसी हमारे फ्रेंड ने बाय किया था ऑनलाइन, तो इसका ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से क्लिक करके आप इस एसी को बाय कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा। और हमने एक पूरा लिस्ट तैयार किया है कि अगर आपके रूम का साइज कितना है, 50 स्क्वायर फीट से लेकर के 400 स्क्वायर फीट तक रूम के साइज के हिसाब से जो भी एसी बेस्ट होते हैं, वो मैंने पूरा लिस्ट डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस एसी के बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर कर लेते हैं। दोस्तों, यह जो एसी है वो अगर आपके आउटसाइड में 52 डिग्री सेल्सियस तक का भी गर्मी अगर पड़ता है तो वहाँ पे भी यह एसी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसमें जो है एक और चीज़ फीचर बताता हूँ, सेल्फ क्लीनिंग का भी फीचर दिया गया है, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है इसके फ़िल्टर को ये साफ़ कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इफ़िशियंट भी है यह एसी। और हाँ, अगर आप इस एसी को लेते हो तो आपको अलग से स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दें दोस्तों कि इसमें जो हमें 100% कॉपर का जो है ना कॉइलिंग देखने को मिल जाता है, जिससे कि इस एसी की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और काफ़ी अच्छी ठंडक जो है हमें दे पाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे तो हमारा कितने का बिजली बिल आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक कन्वर्टेबल एसी है, तो हम इसको 1.1 टन का भी बना के यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह अगर हम यूज़ करेंगे तो अगर दिन भर में अगर हम 8 घंटे चलाते हैं तो लगभग 550 रुपये तक का बिजली बिल आएगा। और इसके फुल कैपेसिटी पर अगर हम इसको यूज़ करेंगे 1.5 टन पे, तो यहाँ पे जो ना हमें 650 से 700 रुपये तक का बिजली बिल आएगा, यदि हम 24 घंटे में मतलब एक दिन में 8 घंटे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस एसी को यूज़ करते हैं लगभग 2.5 घंटे में ना एक यूनिट बिजली कंज्यूम होती है। तो उस हिसाब से आप अपने एरिया में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने का बिजली बिल आएगा। इंस्टॉलेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 1500 रुपीज़ लगते हैं इंस्टॉलेशन के, जो कि आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आप ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, कहीं से भी लो, दुकान से लोगे तब भी लगते ही लगते हैं और ऑनलाइन लो तो भी लगते ही हैं, तो ये आपको देना ही होता है। तो ये 1500 रुपीज़ आपको लगेंगे। और दोस्तों, अगर आप इसको बाई करने का सोच रहे हैं इस एसी को, तो इसका ओरिजिनल बेस्ट बाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं से लीजिएगा ताकि आपको बेस्ट एसी, ओरिजिनल एसी मिल पाए। दोस्तों, यह जो एसी है वो 130 स्क्वायर फीट से लेकर के 200 स्क्वायर फीट तक के बीच में जिनके रूम का साइज़ है उनके लिए यह एसी परफेक्ट है, यानी कि 10x20 तक का भी अगर आपके रूम का साइज़ है तो वहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक साल की वारंटी जो आपको एसी पे मिल जाती है, 5 साल की जो वारंटी आपको पीसीबी बोर्ड पे देखने को मिल जाती है, ओके, और 10 साल की जो वारंटी आपको इसके आउटर यूनिट पे देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल एसी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कूलिंग भी काफ़ी अच्छी करता है। 2 से 4 मिनट में आपके रूम को जो है 200 स्क्वायर फीट का रूम है हमारा, तो वहाँ पे 2 से 4 मिनट में जो है यह एसी काफ़ी अच्छी तरह से ठंडा कर देता है रूम को आराम से, ओके। तो वन ऑफ द बेस्ट एसी आप इसको लेना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट से इसको बाई कर लीजिएगा। और हमने लिस्ट भी तैयार किया है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।